नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। आज सुबह करीब 8 बजे के लगभग बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए, जिसमें राजधानी पटना भी शामिल है। आपको बताते चले कि राजधानी पटना समेत बिहार के कटिहार, किशनगंज, अररिया ये वो जिले हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, जो भूकंप का केंद्र बताया गया था वो नेपाल बताया गया था और भूकंप की तीव्रता की बात करें तो 5.5 बताई गई थी। साथ ही आपको बता दें कि इस भूकंप के झटके के बाद बिहार में कई लोगों को ये भूकंप के झटके महसूस भी हुए हैं। हम आपको सीधे कटिहार लिए चलते हैं, जहां पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। वहां पर जब उनको झटका महसूस हुआ तो वो डर से घर के बाहर निकल आए। उन्हें अचानक से लगा कि क्या हो रहा है, अचानक से घर की चीज़ें क्यों हल्के से हिलने लगी। जैसे उन्हें ये महसूस हुआ, वो फौरन डर के मारे वो घर से बाहर निकल आए और बाहर निकलने के बाद वो सोच रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि आखिरकार ये भूकंप के झटके थे। उसके बाद फिर जब स्थिति सामान्य हुई तो वो घर के अंदर वापस चले गए। हालांकि इसको लेकर पहले से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था। चलिए हम आपको अब कटिहार के उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए और वो क्या कुछ बोल रहे हैं, उस दौरान उन्हें क्या फील हुआ, उन्होंने भूकंप के झटके कैसे महसूस किए, क्या कुछ हुआ भूकंप के दौरान, उन्होंने क्या कुछ हुआ उसके बाद वो क्या किए, ये सब कुछ आप जानिए कटिहार के लोगों से। अरे बताइए, भूकंप का झटका या महसूस हुआ है? 7:59 पर झटका आया, लगा कि जमीन दहल गया। हम लोग डर के मारे जो है घर से निकल के बाहर भाग गए। तो आपने लोगों को सुना, आपको बताते चले कि इनका कहना है कि 7:59 पर भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस हुए। और साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि जो पंखा या जो बल्ब है वो हल्का सा हिला और साथ ही लगा कि धरती थोड़ी हिल रही है, उन्हें थोड़ा सा महसूस हुआ। जब तक वो सही ढंग से महसूस कर पाते, जब तक वो सही ढंग से जान पाते भूकंप के झटके जो है वो ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि इसका ज़्यादा जो प्रभाव है वो नेपाल में देखने को मिल रहा था। और साथ ही नेपाल से सटे जो जिला है, नेपाल से सटा हुआ जो भी जिला है, चाहे बात सीतामढ़ी की कर ले या मुजफ्फरपुर की कर ले, कटिहार की कर ले, ये सब वो जिले हैं जहाँ पर भूकंप के जो झटके हैं वो ज़्यादा महसूस किए गए। अगर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में भी भूकंप के झटके महसूस किए, लेकिन यहाँ पर भूकंप के झटके ज़्यादा नहीं थे, बहुत थोड़ा सा था। ऐसे भी भूकंप का जो स्केल बताया गया है वो 5.5 बताया गया है, जो पहले से ही काफ़ी कम है। और ऐसे में अगर बिहार में भूकंप के झटकों की बात करें तो बिहार में भी कई जिलों में भूकंप के झटके आए ज़रूर थे, लेकिन काफ़ी कम था, इसलिए अधिकतर लोगों को ये भूकंप के झटके महसूस भी नहीं हुए। कुछ लोगों को महसूस हुआ जो अपनी जो एक्सपीरियंस है वो साझा कर रहे हैं कि आखिरकार भूकंप के झटके उन्हें भूकंप के झटके के वक्त वो क्या कुछ कर रहे थे और क्या कुछ उन्हें लगा। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बिहार के कटिहार से निकलकर सामने आई है जहाँ पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।